दोस्तों अभी देखिए इतनी सी चीजों में इतने पैसे उड़ गए, तो अम्मी और हमारे घर के बड़े सारे इतने परेशान है कि इतनी कम चीजों में इतने पैसे उड़ गए। भाई वाकई में लड़की की शादी में बहुत खर्चा होता है और उसके लिए जितने पैसे हों उतने कम होते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल बचपन की जिंदगी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपने जमान में रखे। आप जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने बहन के कपड़े, मतलब शादी के लिए जो हम कपड़े लाए। और आपको पता है आज हमने कपड़े पैक भी किए थे, जैसे थैली में पैक करते हैं, आज हमने वो कपड़े भी पैक किए थे। हमारी सारी कजिनें आई थी, चाची आई थी, बहुत ज्यादा मजा आया था हमें। तो आइए हमने पेटी में सारे कपड़े रख दिए हैं, मतलब खाल अम्मी वगैरह के सबके कपड़े इसी पेटी में। तो आइए हम आपको कपड़े दिखाते हैं कि अम्मी कैसे कपड़े लाई और हमने कैसे पैक किए। देखिए दोस्तों हमने इन थैलियों में कपड़े पैक किए, थैलियां भी अलग से लेके आनी पड़ती हैं। और इसमें ये भी आपको दिखाऊंगी, इसमें भी सामान है पैकिंग के हुए कपड़े। ये तो अभी आपको पहले पैकिंग के हुए कपड़े दिखा देते हैं, ये सारे अभी पैक करने बाकी हैं जो हमें रात में भी पैक करना है। देखें दोस्तों ये मेरी बहन का सूट है, ये पहला सूट देखें आशीला कितना प्यारा कलर है, कलर भी प्यारा है और सूट भी देखें, इस पर बंटियाँ भी चिपकी हुई हैं, नेक भी चिपके हुए हैं। एक सूट ये है और ये देखें ये दूसरा सूट है पिंक कलर में, कितना प्यारा लग रहा है, ये भी सितारों वाला दो सूट। और ये देखें ये येलो कलर का सूट है, ये भी देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, हमने इस तरीके से पैकिंग किया है। और ये देखिए रेड वाला सूट, ये रेड कलर का है, देखिए माशाल्लाह ये भी कितना प्यारा है। और ये देखिए ये परस है मेरी बहन का, ये भी मेरी अम्मी लेके आई थी, देखिए माशाल्लाह कलर भी कितना प्यारा है और परस भी कितना प्यारा है। ये जैसे ऐसे कंधे में नहीं लटकाते वैसे, ये वैसे वाला परस है। और ये पाउच बोलते हैं इसको, ये ऐसे हाथ में लेते हैं वो। और दोस्तों देखिए मक्खियाँ इतनी हो रही है और आम, अब वो अंगूर भी आ गए, आम भी आ गए, आम का मौसम इसलिए अभी तक लेकिन हमने आम नहीं खाए, लेकिन फिर भी मक्खियाँ हमारे पास ही आ रही हैं, इसलिए बोल रही हैं कि आप जाओ ठेलों पे से आम खरीदो ताकि हम आपके घर में और आ सकें। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप आम के पास जाएँ क्योंकि अभी तक हमने आम खाए नहीं है। और ये देखिए दोस्तों ये तो हम ये बगैर पैकिंग के सूट हैं जो हमने अभी पैक नहीं किए। देखें ये सारा सामान अब हम वापस रख देते हैं, आपको दूसरे जो उधर ससुराल में जाने वाले कपड़े हैं आपको वो भी दिखाते हैं क्योंकि हमने वो भी पैक किए हैं। दोस्तों ये मेरी बहन का एक ये सूट है जो हमने ये थैलियाँ पैक किया है, बाकी रहेगा हैंगर वाले जो हमने भी ये बगैर पैकिंग के हैं, इनको भी हम इसी तरीके से देखें हैंगर में टांगेंगे। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर भी और सूट भी आप देख सकते हैं, इस पर बंटियाँ कढ़ाई वगैरह सब कुछ काम हुआ है, इस पर भी समझ लिए पकड़ना। और ये देखिए दोस्तों ये बगैर पैकिंग के सूट भी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, ये देखें ये कलर भी कितना प्यारा है। देखिए हमने लटकन लटकाई है, ये नीचे दामन में भी लटकाई है और आप ये देख सकते हैं हमने गले में भी लटकाई है, ये कलर भी इतना प्यारा है। और मेरी बहन भी माशाल्लाह अच्छी हैं तो उनके ऊपर ये सूट और ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। ये तो आपको दिखा दिया। और ये ग्रीन फराके जो मेरी कज़न की शादी में लेकर आई थी, हम आपको ये भी दिखा देते हैं, वो बोल रही है मैं ये फराक भी अपने साथ लेके जाऊंगी क्योंकि उन्हें ये फराक बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं फराक घेर भी कितना अच्छा है, माशाल्लाह कितनी प्यारी फराक है। और ये देखें ये रेड कलर का दो सूट मेरी बहन के पास रेड कलर के हो गए, वो जो अभी पैकिंग किया हुआ आपको दिखाया है। और एक ये देखें इस पर भी कढ़ाई हुई है, देखें बटन लगे हुए हैं खुद ही। और ग्रीन वाली और कमीज़ें और कमी तो दूसरी तरफ है, अभी हमने निकाली थी काम गई हो। ऑरेंज वाले सूट ये देखें, ये रही ये ब्लू, ये कलर इतना प्यारा लगता है माशाल्लाह से। और देखिए दोस्तों एक इस पे हमने ये बटन भी लगाए हुए हैं। और ये ऑरेंज वाला सूट इस पे भी हमने बटन लगाए, देखें इस पे भी कढ़ाई हुई हुई है। और ये देखें ये चमक लगी हुई है, इसमें भी हमने देखें ब्लैक कलर के बटन लगाए। तो देखें आप देख सकते हैं सारे मैंने आपको सूट सारे सूट ही दिखाए हैं क्योंकि मेरी बहन को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बोलती है भाई मैं रेशमी सूट में नहीं पहनूंगी, वो हमारे घर पे इधर
अभी भी वो रेशमी सूट ज्यादा नहीं पहनती, तो भाई शादी में अब रेशमी तो देने ही पड़ते हैं, अब सूती सूती तो हम दे नहीं सकते। तो और ये देखिए ये सूट एक रह गया जो मैंने आपको नहीं दिखाया है, देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत प्यारा है और सूट भी बहुत प्यारा है। सूती वो बोलती है बस रेशमी कपड़े नहीं पहनूंगी, कॉटन के या सूती कपड़े पहनूंगी, इसलिए हमने उनको ज्यादातर कॉटन और सूती दिए। देखिए दोस्तों ये सूट है कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, इसमें देखें ये मोती भी टके हुए हैं और ये कटदाना सितारा भी टका हुआ है, देखें आस्तीन भी, और इसका दुपट्टा, इसके दुपट्टे पे भी ऐसे लटकन लगी हुई है, कहाँ गया इसका दुपट्टा, सारे कपड़ों पर नीचे। आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, मुझे क्या पता आप बोर हो रहे हैं नहीं। ये देखिए दोस्तों ये इसका दुपट्टा माशाल्लाह कितना प्यारा दुपट्टा है, जिसपे देखिए जो लटकन लगी हुई है ना, ये तो हमने सोचा था ये कमीज में लगी भी नहीं आई, तो हमने सोचा कि हम ऐसी लटकन कमीज में दामन में भी लगा देंगे तो ये अच्छी लगेगी लटकन, बिल्कुल सेम यही। और दोस्तों ये देखें ये कपड़े और ये हैं मेरी बहन के, ये भी सूती हैं, देखें इस पे लेस लगाई है दोस्त, मतलब इस तरीके की कितना प्यारा कलर है, ये एयरलाइन कमीज काटी है, और ये देखें ये कलर भी कितना प्यारा है, और ये देखें इस पे बंटी वगैरह सब लगा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। और चलें दोस्तों हमने आपको अपनी बहन के कपड़े तो दिखा दिए, और ये बाकी जो हमने इसमें सूट के इसमें रखे हुए तो उसमें से दिखाते हैं, पहनोनी वगैरह खालम निके में ऐसे जाते हैं ना, पता नहीं क्या नाम होता है, तो हम आपको वो वाले कपड़े भी दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों ये जो हमने सूट के इसमें कपड़े रखे हुए, ये देखिए तो मेरी बहन के उसमें देने का तौलिया है, ये तीन सेट हैं जो छोटे बड़े होते हैं, और ये देखिए कम्बल की तरह है। तो ये देखिए ये कपड़े हैं ये पहनोनी के, ये देखिए हमने नाम भी लिखा है, ये कलर माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर है, और सूट भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, और ये देखिए नया डिज़ाइन, ये देखें ये नेवी ब्लू और इसका कंट्रास्ट है, और ये देखें ये मेहरून कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये मेहंदी कलर और ब्राउन कलर ब्राउन है, और ये देखें ये फ्रोजी कलर और ये रेड कलर, और ये देखें ये जो सूट है ना ये खालम निका है, मतलब मेरी बहन की होने वाली सांस, वैसे अभी तो खालम नहीं है लेकिन शादी के बाद सांस हो जाएगी, लेकिन वो उनको अम्मी नहीं बोलेंगी, लेकिन लाजमी होता अम्मी बोलना वो खालम नहीं बोलेंगी। देखें ये खालम को सूट है, और ये उनके बेटों का है, ये छोटे बेटे उनके वो हैं, और ये जो मेरे मतलब जो मेरे बहनों से छोटे वाले हैं ये बड़ी आपी की देवा वो उनका, और ये मेरे खालू का है मतलब बड़ी आपी के सूट। देखें इसके साथ रुमाल एंड टोपी भी रखी हुई है। देखिए दोस्तों हमने आपको ये सारी चीज़ें तो दिखा दी है, अभी तो बस शुरुआत है, अभी कपड़े ही आए खाली, अभी तो बहुत सामान बाकी है। ये देखिए ये भी मैं आपको दिखा रही थी, इसमें वो हार का सेट रखा दोस्तों, अभी देखिए इतनी सी चीज़ों में इतने पैसे उड़ गए, तो अम्मी और हमारे घर के बड़े सारे इतने परेशान है कि इतनी कम चीज़ों में इतने पैसे उड़ गए भाई। वाकई में लड़की की शादी में बहुत खर्चा होता है, और उसके लिए जितने पैसे हों उतने कम होते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों हमने ये अपनी बहन के लिए देखे कंघे लाए, 6 कंघे 2 कंघियाँ, और ये देखें ये जारबन डालनी हुई है, और ये आप देख सकते हैं ये बूंदे हैं, ये माइयों के लिए लाई हैं मेरी बहन की माइयों के लिए, देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत बूंदे लग रहे हैं, ये कैसे पकड़ते हैं ऐसे, ये देखिए झालर वाले बूंदे, नया डिज़ाइन है ये, चलें अब इसको हम रख देते हैं। और ये देखें ये कड़े माशाल्लाह देखें कितने चमक रहे हैं कड़े, ये भी मेरी बहन के लिए लाई हैं, और ये आप देख सकते हैं ये बूंदे सहारे वाले, ये देखिए ये बूंदे हैं सहारे वाले माशाल्लाह, ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये ऑनलाइन डिज़ाइन नए आए, देखिए शीशे लगे हैं, आज से पहले आपने ऐसे बूंदे देखे, देखें ये बूंदे ये हो गए, और ये देखें केचर और ये क्लिप माशाल्लाह ये भी कितने प्यारे हैं, और क्या सामान है ये देखिए, बाकी ये केचर है रंग बिरंगे केचर हैं, और इसमें देखिए इस सेट मैं आपको इस सेट दिखाती हूँ, ये देखें ये सेट माशाल्लाह ये भी कितना प्यारा है आप देख सकते हैं, और ये देखें इनके साथ ही है, इसके साथ नहीं है अलग से खरीदी है अंगूठी, ये अंगूठी है, और ये देखें ये सेट है। देखिए दोस्तों ये सेट है ना ये मेरी अम्मी हमारे लिए लाई है, हम दोनों बहनों के लिए, और दोस्तों आपको पता है वो सबको पता है कि हॉल अभी बंद है, बस आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए नहीं जिसकी भी शादी है उन सबके लिए दुआ कीजिए कि हॉल खुल जाए, हमें इतनी परेशानी होगी,
हमारे घर वाले सब इतने परेशान हैं, बस वो भी दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से होल खुल जाए। इसीलिए ज्यादा दुआ करें क्योंकि हमारा घर छोटा है, आपने भी देखा हुआ है कि हमारा घर कितना छोटा है, बहुत परेशानी होगी हम अगर घर में शादी करेंगे। और वैसे हम चाहते तो हम गली में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी गली भी आपको पता है बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम गली में भी नहीं कर सकते हैं। तो बस आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द होल खुल जाए और हमारी बहन की शादी साथ खैरियत से निपट जाए, हमारी क्या जिनकी भी शादी है मतलब साथ खैरियत से निपट जाए। तो चलें दोस्तों, अब हमने आपको शॉपिंग वगैरह सब दिखा दिया है, तो आप हमें इजाज़त दीजिए, अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो आप हमारी वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा और बचपन की ज़िंदगी देखना मत भूलिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।